रख विश्वास क्योंकि तू है शिव का दास। जी हाँ, ये जो डायलॉग है ये अक्षय कुमार की लेटेस्ट मूवी का डायलॉग है, यानी कि ओ माय गॉड पार्ट टू का। और आजकल अक्षय कुमार काफी ज्यादा चर्चा में बने हुए हैं, तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अक्षय कुमार के कुंडली एनालिसिस के बारे में। ज्योतिष के माध्यम से आज हम अक्षय कुमार जी की कुंडली का एनालिसिस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो इतने बड़े सुपरस्टार बने, कैसे उनका जो पिछला साल है वो थोड़ा सा कठिन बीता। ओ माय गॉड टू जो मूवी रिलीज हुई है वो हिट होगी कि नहीं होगी, इसके साथ ही साथ में आगे अक्षय कुमार जी का करियर कैसा चलेगा, इसके बारे में आज हम लोग वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, आप स्क्रीन पर अक्षय कुमार जी की कुंडली भी यहाँ पर देख रहे होंगे, तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं और देखिए बात करते हैं कि देखिए जो अक्षय कुमार जी की कुंडली है, इस कुंडली के अंदर हमें क्या दिख रहा है कि जो कुंडली है ये हमारी वृश्चिक लग्न की कुंडली है। अब वृश्चिक लग्न की जो कुंडली होती है इसके लग्न के स्वामी होते हैं मंगलदेव, और मंगलदेव यहाँ पर इनके जो है वो लग्न में ही बैठे हुए हैं। अब लग्न के स्वामी हैं और लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंसान को काफी ज्यादा बहादुर बनाता है, लग्न के स्वामी वो भी मंगलदेव। अब मंगलदेव बहादुरी के कारक होते हैं, मंगलदेव जो होते हैं वो इंसान कितना बहादुर होगा, कितना साहसी होगा, पराक्रमी होगा, इसके कारक मंगलदेव होते हैं। अब मंगलदेव लग्न के लॉर्ड होगा, लग्न में ही बैठे हुए हैं, तो इंसान काफी ज्यादा बहादुर हो जाता है। और काफी ज्यादा देखिए, जब मंगलदेव लग्न में होते हैं तो इंसान काफी ज्यादा स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, यानी कि स्पोर्ट्स में रुचि रखता है, फिजिकल एक्सरसाइज में रुचि रखता है, उसे रोज एक्सरसाइज करने की आदत होती है, तो मंगल काफी ज्यादा इंसान को एनर्जेटिक बनाता है। अब हम सबको पता है कि अक्षय कुमार ताइक्वांडो, जूडो, कराटे सब करते हैं, और रोज सुबह उनका रूटीन है, 4 बजे उठ जाते हैं, 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये मंगल की वजह से इनका हो रहा है। अब देखिए, इनकी कुंडली में बृहस्पति की पोजीशन बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इनकी कुंडली में बृहस्पति, देखिए आपको यहाँ दिख भी रहा होगा कि कुंडली में बृहस्पति 9th हाउस में बैठे हुए हैं, जो भाग्य का घर है, और उच्च के होकर बैठे हुए हैं, यानी कि मजबूत बहुत अवस्था के अंदर बैठे हुए हैं। अब देव गुरु बृहस्पति इतने मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं कि इनको भाग्य का बहुत ही ज्यादा साथ मिला। अब शुरुआत के दिन में ये बावर्ची थे, बावर्ची से इनकी किस्मत ने टर्न मारा, यू टर्न मारा, और ये फिल्मों के बहुत बड़े स्टार बन गए, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाग्य ने बहुत ज्यादा इन्हें सपोर्ट दिया। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे देवगुरु बृहस्पति हैं वो इनके लग्न में भी दृष्टि बना रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, जिंदगी के अंदर जो डिसीजन लेते हैं बहुत ही ज्यादा अच्छे डिसीजन ये लेते हैं। इसके साथ ही साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो देव गुरु बृहस्पति हैं वो यहाँ पर इनके दूसरे घर के मालिक बन रहे हैं, और जो दूसरा घर होता है वो बैंक बैलेंस का होता है, इसलिए हम सबको पता है कि अक्षय कुमार जी का जो बैंक बैलेंस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फिल्म स्टार है, इसके साथ ही साथ में उनका जो बैंक बैलेंस है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि फिल्में भी उनकी काफी ज्यादा हिट रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर अक्षय कुमार जी को काफी ज्यादा सपोर्ट मिला। उसके साथ ही साथ में हम यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि देखिए जो अक्षय कुमार जी के बच्चे हैं, बच्चों से भी अक्षय कुमार जी को काफी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो बच्चों का घर है वो भी 5th हाउस बन रहा है, उसके स्वामी भी एग्जॉल्टेड हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके लिए काफी ज्यादा अच्छा है। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारे बुध देव हैं, जो बुध देव हैं वो अपनी खुद की राशि में 11th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। अब जब बुध देव 11th हाउस में खुद की राशि के अंदर बैठे, देव जो है वो 11th हाउस में बैठे हुए हैं, तो ये जो इंसान की वाणी है उस वाणी को काफी ज्यादा अच्छा बनाते हैं, और इंसान जो बोलता है वो अपनी बातों के जरिए वो अपनी इनकम को गेन करता है। जैसे कि अक्षय कुमार जी एक्टर है, अब 11th हाउस का मरकरी मतलब है कि आपकी जो इनकम होगी वो आप अपनी वाणी के थ्रू गेन करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक्टर हैं और अपने अच्छे डायलॉग्स की वजह से उनकी पिक्चर हिट भी होती हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मरकरी का बहुत ज्यादा सपोर्ट है। अब मरकरी यहाँ पर कन्या राशि के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि उनकी खुद की राशि है, इसलिए यहाँ पर मरकरी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। तो देखिए, जुपिटर भी स्ट्रांग है, मरकरी भी स्ट्रांग है, और इसके साथ ही साथ में यहाँ पर मार्स भी स्ट्रांग है, तो प्लेनेट की पोजिशन इनकी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। इसके बाद में देखिए, यहाँ पर बात करें कि जो सूर्य है वो सूर्य यहाँ पर इनके बिल्कुल जो कि इनका कर्म स्थान है वहां पर बैठे हुए हैं, तो कर्म का इन्हें मजबूत बनाते हैं, कर्म का पक्का बनाते हैं, और कर्म इनके काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। उसके बाद जो शुक्र ग्रह है वो भी इनके कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से इनका जो प्रोफेशन है, देखिए वीनस जो है वो फिल्म इंडस्ट्री को डिनोट करता है, इसलिए इनका जो प्रोफेशन है वो फिल्म एक्टर है, क्योंकि जो वीनस है वो इनके 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। अब देखिए, अब बात करते हैं, तो देखिए जो इनका शनिदेव है वो 5th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और यहाँ से वो मरकरी को देख रहे हैं, तो जब शनिदेव 5th हाउस में बैठ के मरकरी को देखते हैं तो इंसान डिसीजन लेने में थोड़ा सा स्लो हो जाता है,
तो कहीं ना कहीं इनका अक्षय कुमार जी का भी पिछले 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं कि डिसीजन उतने अच्छे नहीं रह रहे हैं, और कभी कभी गलत डिसीजन भी अक्षय कुमार जी ले लेते हैं। इनके जो शनि भगवान है वो 5th हाउस में जो बैठे हुए हैं, अब 5th हाउस जो होता है इंसान का वो लव लाइफ का होता है, तो हमें पता है कि जब शनिदेव 5th हाउस में बैठे हैं तो थोड़ी सी गड़बड़ यहाँ पर देखने को मिली और इनके काफी ज्यादा लव अफेयर देखने को मिले। इनकी जो भी हीरोइंस थी रवीना टंडन के साथ में, जूही चावला के साथ में, शिल्पा शेट्टी के साथ में, काफी ज्यादा हीरोइनों के साथ में शादी से पहले इनका नाम जोड़ा गया, तो ये कहीं ना कहीं लव अफेयर में थोड़ा सा ये परेशान हुए और इसमें थोड़ा सा इनका जो इशू था वो देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल अगर हम कुंडली की बात करें तो जुपिटर की पोजीशन, मंगल की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, सूर्य की पोजीशन, शुक्र की पोजीशन इतनी बलवान है कि इनका करियर बहुत ज्यादा अच्छी ऊंचाइयों पर चला। उसके बाद देखिए अगर हम बात करें अक्षय कुमार जी की, जो पिक्चर है कितनी ज्यादा हिट हुई, खिलाड़ी सीरीज उनकी बहुत ज्यादा हिट हुई, उसके बाद देशभक्ति की इतनी मूवी उन्होंने करी, वो सब इतनी अच्छी इसलिए हिट हुई क्योंकि देशभक्ति जो होती है वो मंगल को डिनोट करती है और मंगल इनकी कुंडली में इतने ज्यादा मजबूत है कि मंगल का एक आशीर्वाद इनके हाथ इनके सर के ऊपर है। मंगल से जुड़ी कोई मूवी करते हैं, देशभक्ति से जुड़ी कोई मूवी करते हैं तो वो सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हो जाती है, जिसका फायदा इन्हें आगे चल के बहुत ज्यादा मिलता है। तो देखिए ये तो हमने इनके करियर की बात करी, उसके बाद अगर हम बात करें कि जो पिछला 1 साल था वो इनका इतना अच्छा क्यों नहीं जा रहा था, तो उसके पीछे कारण ये है कि जो इनके मंगल देव है वो इनके कहीं ना कहीं 12th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं नवमांशा चार्ट में। अब नवमांशा चार्ट में अगर मंगलदेव 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो मंगलदेव को थोड़ा सा कमजोर बनाते हैं। ओवरऑल मंगल पोजिशन में अच्छे हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि जब दशा अंतरदशा का पीरियड आता है उस समय मंगल जब ऑपरेट करेंगे तो इनको थोड़ा सा लॉस देखने को मिलेगा, क्योंकि नवमांशा में 12th हाउस में मंगल जाकर बैठ गए हैं। अब नव मंगल जब 12th हाउस में जाकर बैठते हैं यानी कि वो लॉस हो जाता है, लग्न का स्वामी 12th हाउस में जा रहा है यानी कि वो लॉस डिनोट करता है। तो इस समय अक्षय कुमार जी की वीनस की महादशा में मार्स की अंतरदशा चल रही है। अब मार्स की अंतरदशा के कारण ही इनकी जो पिक्चर है वो फ्लॉप हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो 12th हाउस जहाँ पे मार्स बैठे हुए हैं नवमांशा में वो खर्चे का हाउस होता है, तो खर्चा कहीं ना कहीं इनका हो रहा है और इनकम इनकी काफी ज्यादा कम हो गई है। तो ये कहीं ना कहीं जो मार्स की अंतरदशा है इन्हें इतना सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी देखिए अगर हम बात करें इस समय इनकी जो प्रत्यंतर दशा चल रही है वो वीनस की चल रही है और वो 6 अगस्त से लेकर इनकी अक्टूबर तक वीनस की प्रत्यंतर दशा चलेगी। अब वीनस कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हैं तो इस समय ये जो वीनस की महादशा भी है, मार्स की अंतरदशा भले ही हो लेकिन वीनस की महादशा और वीनस की जो प्रत्यंतर दशा है ये इनको फायदा देगी और ओ माई गॉड मूवी जो है इनकी वो सुपरहिट जरूर होगी, क्योंकि वीनस की प्रत्यंतर दशा चल रही है। वीनस की प्रत्यंतर दशा में जो वीनस है वो इनके 10th हाउस में बैठे कर्म क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, तो कर्म को यकीनन वो सपोर्ट करेंगे और ओ माय गॉड 2 जो मूवी है इनकी वो ब्लॉकबस्टर जरूर होगी, क्योंकि इस समय जो अगला 1-2 महीने का जो टाइम है वो इनके लिए काफी ज्यादा इस समय अच्छा चल रहा है। तो इस समय इनका जो करियर है वो सही चलेगा और इसमें इस समय जो ओ माय गॉड 2 मूवी है इनकी वो हिट जरूर होगी। आगे अगर हम इनकी बात करें तो देखिए इनकी जो राहु की अंतरदशा है वो दिसंबर 2023 में चालू होगी और वो भी कोई ना बहुत ज्यादा अच्छा सपोर्ट नहीं करेगी, वो भी इनको काफी ज्यादा करियर में नॉर्मल ही करियर रहेगा। अक्टूबर के बाद कोई मूवी आएगी तो उसमें इतना अच्छा कमाल नहीं कर पाएंगे, लेकिन अभी 2 महीने के अंदर जो भी काम करेंगे वो इनका अच्छा रहेगा। ओवरऑल 2025 के बाद ही इनका करियर वापस ढंग से ट्रैक पे आ पाएगा, जो 1-1.5 साल थोड़ा सा खराब बीता था। अभी जो वीनस का प्रत्यंतर दशा है इसमें पिक्चर हिट होगी, लेकिन आगे फिर वही 2-2.5 साल तक इनकी पिक्चर है उतनी अच्छी नहीं चलेंगी, लेकिन 2025 के बाद में फिर से इनका करियर ग्रोथ करेगा। तो देखिए उम्मीद करता हूँ आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। ओ माय गॉड 2 मूवी आपने नहीं देखी है तो देखने जा सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार के जो सितारे हैं 2 महीने के लिए काफी बुलंद चल रहे हैं, तो इस समय पिक्चर देखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आपको और हम लाकर दे सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, नमस्ते।